अच्छा ये फेंक दिखा लेते हैं। हाँ फेंको फेंको, अभी तो तुरंत आ जाएंगे। ये देखा, थोड़ा पास में फेंको तो पास में आएंगे। यहाँ पे फेंको, हाँ यहीं पे फेंको तो यहाँ। वाह, अरे 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 अच्छा ये नीचे जा नहीं, ये नीचे नहीं जा पाता, नीचे नहीं जा पाता ये। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आ चुके हैं प्रयागराज और हम जा रहे हैं संगम, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती जैसे पवित्र नदियों का मिलाप होता है, जिसको हम संगम कहते हैं। और यहीं पे ही कुंभ मेला का आयोजन करा जाता है, जो कि 12 साल के साइकिल के हिसाब से चलता है, 12 साल के बाद। यहाँ पर लोग भारत से नहीं बल्कि विदेशों से भी पिलग्रिमेज के लिए आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी घाट पर भीड़ लगी हुई है, लेकिन उतनी भीड़ नहीं है जितनी कुंभ मेला के टाइम पे होती है। लेकिन अगर आप इस टाइम आते हो तो आप आराम से दर्शन कर सकते हो, बोटिंग का आनंद उठा सकते हो, क्योंकि इस टाइम भीड़ कम होती है। और जो ऑटो वाले हैं या फिर आपकी अगर प्राइवेट गाड़ी है या फिर आप किसी भी बोट से आते हो यहाँ पे, तो घाट पे तुरंत आ सकते हो, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन अगर आप कुंभ मेला के टाइम पे आते हो तो आपको बहुत दूर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि लाइन इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए आपको बहुत लंबे टाइम तक रुकना पड़ सकता है यहाँ पे। सो घाट पर पहुंचने के बाद आप बहुत टाइप के बोट्स देख सकते हो, तो आप अपने हिसाब से जिस बोट पे आपको जाना है वो आप सेलेक्ट करके और बोट के ओनर से आप बात कर सकते हो। सो फाइनली मैं बोट पे बैठ चुका हूँ और मेरी बोट जो है रेडी हो गई है चलने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे आसपास भी कई बोट्स जा रही हैं, कई वापस आ रही हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है बोट, और यहाँ का जो नज़ारा है वो काफ़ी अच्छा है। किसी ने बोतल फेंक दी है गलत बात।